कोडी रोज तुझे समझ क्यों नहीं आ रहा है, उस सेथ रॉलिंस ने तुझे इतना अच्छा ऑफर दिया है, मान ले उसकी बात को और मेरे सामने वापस से आने की गलती मत करना, वरना तेरा वो हाल करूंगा जो मैंने अब तक अपने किसी भी ओपोनेंट के साथ नहीं किया। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का आज के इस वीडियो में। सेथ ने क्या कहा कोडी रोड से, क्या कोडी अब रोमन रेंस को चैलेंज नहीं करेंगे, सीएम पंक रो रहे थे, रसलमेनिया में जाने का उनका सपना टूट गया। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग हमें द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक के साथ देखने को मिलती है। रिंग में आने के बाद सीएम पंक रसलमेनिया के साइन को देखने लगते हैं। हाँ गाइस, आप लोगों के मन में सवाल होंगे कि सीएम पंक के साथ आखिर क्या हुआ, तो देखो सीएम पंक बताते हैं कि उस रात मैं करीब आया रॉयल रंबल को जीतने के लिए और मुझे लगा जैसे ये मेरे पास है, मेरी हथेली तक छू गया, वो पल पर किसी के ऊपर गुस्सा नहीं हूँ। कोडी रोड्स, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, जबकि मैं तो फिलहाल उसे बधाई देना चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो रसलमेनिया जाए और अपनी स्टोरी फिनिश करे, और भले ही मैं करीब आया था लेकिन इस बिजनेस में करीब आना बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। मैंने कभी लक पर भरोसा नहीं किया, पर अब मुझे लग रहा है कि मैं शायद अनलकी था। रॉयल रंबल के दौरान मैंने अपनी राइट हैंड के ट्राइसेप में चोट पाया, भले ही मैंने कितना पूछा होगा सबसे कि मैं शायद वापस कर सकता हूँ, मैं एलिमिनेशन चेंबर जीत सकता हूँ, मैं रसलमेनिया का मेन इवेंट फिर से हासिल कर सकता हूँ, पर शायद मेरे नसीब में ये लिखा ही नहीं है। सीएम पंक गाइस काफी इमोशनल हो चुके थे। आगे वो कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि मेरे लिए कोई बुरा फील करे, जब भी मैं ये सोचता कितना मैं इसकी वजह से मजबूर हो चुका हूँ, कितनी बार मैं रसलमेनिया के करीब पहुंचा, कितनी बार मैं मेन इवेंट करना चाहता था रसलमेनिया को बचपन से लेके अब तक, शायद कभी ये होने के लिए लिखा ही नहीं है मेरे लिए। लेकिन क्या आपको पता है, मेरा एक दोस्त है जिसे कैंसर, उसके बारे में कई बार सोचता हूँ, कभी वो बुरा फील नहीं किया, उसने हार नहीं माना, पर मेरी तो केवल एक चोट है। मैं जब कहता हूँ कि मैं बेस्ट इन द वर्ल्ड हूँ, इसलिए नहीं कि मैं हमेशा जीतता हूँ। आपने मुझे यूएफसी में लड़ते हुए देखा, कुछ खास नहीं था मैं। मुझे पूछा गया था कि तुम ये करना चाहोगे, मैंने कहा हाँ, क्योंकि मुझे डर लगा उस बात से। 10 साल के बाद मैं उस जगह पर आया, उस जगह पर जहाँ से मैं कभी जाना ही नहीं चाहता था, लेकिन मुझे जाना पड़ा क्योंकि मुझे डर लगा रसलमेनिया से। मुझे डर लगता है ये गोल है जो शायद मुझे पूरी जिंदगी सताएगी, रसलमेनिया 40 शायद मेरे नसीब में नहीं है, पर हमेशा मैं अगले साल के लिए आगे बढ़ता रहूंगा, मैं पूरी मेहनत करूंगा। इतना कहते गाइस स्कॉटिश साइकोपैथ ड्रू मैकएंटायर का यहाँ म्यूजिक हिट होता है। लिटरली गाइस, ड्रू मैकएंटायर इतना बुरा कैसे हो सकते हैं। वो सीएम पंक से कहते हैं कि मैंने काफी बुरी बात कही आपके बारे में जब से आप वापस आए हो WWE में। मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने इसके बारे में प्रे की थी, मैं चाहता था कि ये हो तुम्हारे साथ और ये हुआ। जब मैं उस रंबल में आया तो मैंने तुम पर ही टारगेट किया, मैं चाहता था कि तुम नहीं जीतो, कौन है जो उस टाइटल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा, और तुम वो आदमी ना हो, इसलिए मैं तुम्हें एलिमिनेट करना चाहता था। मैं तुम्हें एलिमिनेट नहीं कर पाया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर जब मुझे मालूम चला तुम्हारे बारे में जो तुम्हारे साथ हुआ, तब मैंने चैन की नींद सोई। तुम वॉर नहीं जीत पाए, मैंने सीएम पंक को किसी न किसी तरीके से खत्म किया, अब मैं एक रास्ता ढूंढ लूंगा वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए रसलमेनिया में, और मैं जाऊंगा रसलमेनिया के मेन इवेंट में और तुम्हारा सपना छीन लूंगा फिर से। तो अब बताओ सीएम पंक, मेरी आंखों में आंखें डालकर क्या कहना है तुम्हारा। ड्रू के फेस टू फेस आने के बाद गाइस, अब आखिर में सीएम पंक कहते हैं कि मेरे दिल को मेरे ट्राइसेप से भी ज्यादा दुख हो रहा है, मैं वापस आऊंगा रसलमेनिया मेन इवेंट करूंगा, पर मेरे रास्ते में सबसे पहले मैं जिसे खत्म करूंगा वो तू होगा। इसके बाद गाइस, ड्रू मैकएंटायर की ओर से सीएम पंक पे अटैक देखने को मिलता है, पर फाइट बैक करते हुए सीएम पंक की ड्रू मैकएंटायर पे पंचेस की बारिश करना स्टार्ट कर देते हैं, पर ड्रू गाइस सीएम पंक को नीचे गिराते उनके ट्राइसेप पे अपने पैरों से अटैक करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद गाइस हमें सीएम पंक को सेव करने के लिए सैमी ज़ेन की एंट्री देखने को मिलती है। सैमी गाइस ड्रू मैकएंटायर पे अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ड्रू मैकएंटायर यहां से भाग जाते हैं और वो रिंग साइड सीएम पंक को देखकर हंस रहे होते हैं। इसके बाद गाइस इनका मैच मेन इवेंट के लिए कंफर्म हो चुका था। अब गाइस आ चुका है वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स के रिंग में आने के बाद यू डिजर्व इट के चैंट लग रहे होते हैं। फिर कोडी कहते हैं कि द टैम्पा वे, व्हाट दे वांट टू टॉक अबाउट टैम्पा वे के क्राउड, तो बताइए आप किस बारे में बात करना चाहते हैं। आगे कोडी कहते हैं कि जब मैं बाहर आया तो मैंने कुछ सुना, तो प्लीज समंथा तुम उसे वापस से कह सकती हो। तो रिंग अनाउंसर समंथा गाइस इस बात को रिपीट करते हुए कहती है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द विनर ऑफ 2023 एंड 2024 मेंस रॉयल रंबल मैच, द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। अब कोडी कहते हैं कि आप लोग जब मंडे नाइट रॉ आते हो, WWE आते हो, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम आप लोगों को बेहतरीन एक्शन दे, ताकि इन 3 घंटों में आप अपने सारे डर टेंशन भूल जाओ। लेकिन रॉयल रंबल के दिन आप समझ नहीं सकते हो कि मुझे आप लोगों की कितनी जरूरत थी, और आप लोगों ने मुझे पूरा सपोर्ट किया, पर अब बात करते हैं रसलमेनिया 40 में मेरे मैच को ऑफिशियल करने के बारे में। कोडी अब आगे कुछ कहते कि यहाँ सेथ का म्यूजिक हिट हो चुका था। कोडी कंफ्यूज लंगराते हुए सेथ रिंग में आते हैं और कोडी से हाथ मिलाते हैं। अब सेथ कोडी से कहते हैं कि यू नो कोडी, तुम्हें पता है कोडी, टैंपा वे बिल्कुल सही कह रहा है, तुम डिजर्व करते हो ये, बैक टू बैक रॉयल रंबल जीतने के लिए कांग्रेचुलेशन, बहुत खास पल था वो। पर मेरे दोस्त, अब सच कहूंगा, असली बात करेंगे हम,
अगर तुम्हारा फैसला है रोमन रेंस से लड़ना रसलमेनिया में तो तुम गलती कर रहे हो, मुझे लगता है कि तुम्हें मुझसे लड़ना चाहिए। अब तो गाइस सेथ यहाँ क्या कह रहे थे, कोडी पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं, क्राउड यहाँ नो नो के चैंट कर रहा होता है। तो अब सेथ क्राउड से कहते हैं कि टैम्पा, हाँ मैं समझ सकता हूँ, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि आप मेरी बात सुने। तुम नहीं हो यार वो इंसान कोडी, ना ही तुम हो द गाय और ना ही रोमन रेंस है द गाय, मैं हूँ वो द गाय एंड ये है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, WWE का असली चैंपियनशिप। लास्ट ईयर भी तुम रंबल जीते, इसके बाद तुम्हारा रोमन रेंस के पीछे जाना बिल्कुल सही था क्योंकि तब सिर्फ एक ही चैंपियनशिप थी। मैं समझ सकता हूँ कि पिछले साल भर तुमने हर दिन रोमन सोचा है। तुम जानते हो जब से मैंने ये टाइटल जीता है तुम मेरे साथ हो, हर एक सिटी में, हर एक टूर में। और मुझे जहाँ तक याद है रोमन रेंस तो नहीं था, तुम्हें याद होगा ये टाइटल क्यों लाया गया, क्योंकि यहाँ पर मौजूद हर एक इंसान परेशान हो चुका था रोमन रेंस से, थक चुके थे वो। जो बंदा 6-6 महीने टाइटल डिफेंड नहीं करता और करता भी तो चीटिंग से बचा लेता जब भी उसे मौका मिलता। रोमन रेंस कोई भगवान नहीं है और कभी होगा भी नहीं। रोमन रेंस एक ऐसे लेवल पर है, ऐसा नहीं है कि उसे छुआ नहीं जा सकता है, हमें तो रोमन रेंस की जरूरत भी नहीं है। तो कोडी बताओ तुम्हें कौन सा टाइटल चाहिए, तुम्हें वो हॉलीवुड टाइटल चाहिए जिसे तुम लेकर सिर्फ फोटो खिंचाओगे, या तुम्हें ये डस्टी रोड्स का टाइटल चाहिए जो कि एक वर्क हॉर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो बताओ कोडी व्हाट काइंड ऑफ मैन यू वांट, तुम किस तरह के आदमी बनना चाहोगे। कोडी बस इतना कहते हैं कि सेथ मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो तुमने कहा, बट आई विल बी थिंक अबाउट इट, मैं इसके बारे में जरूर सोचूंगा। अब आप ही बताओ गाइज इस प्रोमो के एंड होने के बाद रोमन को कितना गुस्सा आया होगा। सेथ ने सामने से कोडी को ऑफर दिया लेकिन अभी भी कोडी रोड्स को इस बारे में सोचना है। इतने अच्छे ऑफर के बाद भी अगर कोडी ने सेथ को ना चुनकर रोमन को चुन लिया तो रोमन कितने गुस्से में होंगे और वो कोडी का क्या हाल करना चाहेंगे। आज गाइज हमारे मेन इवेंट जे उसो ने एक बहुत बड़ा मैच जीता, एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार बिग ब्रॉन्सन रीड को हरा के। इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के मैच में गुंथर ने कॉफी किंगस्टन को हरा दिया। द जजमेंट डे ने रिटेन किया अपने अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप को टोमासो चांपा एंड जॉनी गार्गानो DIY से। मैच के बाद गाइज उन्होंने आर्ट्रूथ को बहुत मारा, मिस उन्हें बचाने के लिए आए तो उन्होंने मिस को भी फोड़ डाला। मंडे नाइट ट्रॉ के गाइज मेन इवेंट में सैमी जेन वर्सेस ड्रू मैकेंटायर का मैच हुआ, जिस मैच में क्लेमोर के साथ ड्रू मैकेंटायर ने सैमी को हरा दिया। ड्रू मैकेंटायर का स्टॉक गाइज बहुत हाई है, उनके मैच हारने का तो चांस ही नहीं बनता था। इनफैक्ट सीएम पंक के इंजर्ड होने के बाद ड्रू मैकेंटायर के चांस बहुत ज्यादा है कि वो रसलमेनिया के नाइट 1 को मेन इवेंट करेंगे एंड इसके बाद सीएम पंक के आने के बाद वो ड्रू मैकेंटायर को नहीं छोड़ेंगे। तो गाइज वीडियो को एंड करते हैं, अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।